आमिर को देखो, वहां से आया, आके मेरा दरवाजा बंद करके चला गया। वो ऐसा ही करता है हर चीज में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आमिर कर रहा है अपना रोटी को एंजॉय। आमिर गुड मॉर्निंग। आमिर का भी मैंने टीवी म्यूट किया है, इसलिए वो उस तरफ ध्यान है उसका। चलो फिर आप एंजॉय करो, मैं मेरी रोटी एंजॉय करती हूँ। ये जो अचार है वो मैंने घर में जो सब्जियाँ उगाती हूँ ना उससे बनाया है। सिर्फ इसमें मैंने फ्रोजन आम लिया था, बाकी ये है शिमला मिर्च, ये गाजर। ये 2 साल पुराना अचार है, फिर भी अभी तक मैं चल रहा है। एक छोटी सी बन्नी ही बनाई है मैंने, तो अभी 2 साल अभी चला है। और ये है मसाला पराठे, जिसे हम गुजराती में तीखी भाखरी बोलते हैं। तो ये तीखी भाखरी और अचार, तो सुबह में मैं अभी यही खा रही हूँ आज तो। मैंने सारी सब्जियाँ जो होती है अचार की सारी खा ली है। अभी जो ये मसाला बचा है उसमें मैं थोड़ा दही ऐड करूँगी, जिससे बन जाएगा वो रायता, और इसको भी पराठे के साथ मज़ा आएगा खाने का। ये हो गया मेरा टेस्टी रायता और मसाला पराठा। अभी बारी है इंग्लिश टी की, जिसके लिए मैं पहले पानी को गर्म कर रही हूँ आधा कप। उसमें डाली मैंने शक्कर और थोड़ा सा दूध। फिर सबको कर लिया मैंने मिक्स। तो अभी मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, इसलिए मैं ये चाय पत्ती को अभी बाहर निकाल दूँगी पीने से पहले। और अगर ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए तो इसको थोड़ी देर और रहने देना पड़ेगा, फिर ठंडी हो जाएगी चाय। तो इसकी वजह से इतना ही इनफ है। मेरा इंग्लिश टी पीने का ये रीज़न है कि अर्पित चाय नहीं पीते हैं, और अकेले के लिए बनाने का अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बना लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन में एक बार चाय बना देती हूँ मैं, और फिर चाय तो चाहिए ही चाहिए ऐसा है। तो उसकी वजह से मुझे ये आसान पड़ता है मेरे अकेले के लिए, तो मैं यही पी लेती हूँ। फिर अगर मैं आपको ऐसे ही बोलती कि मैं इंग्लिश टी पीती हूँ, तो आपको पता नहीं क्या सोच लेते, कितनी बड़ी कुछ बात होगी, कुछ ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्टिंग होगा। उसकी वजह से मैंने आपको रेसिपी बताई कि उतनी कुछ खास इसमें है नहीं, बस इसको उबालते नहीं है, हमारी चाय पत्ती उबलती है, इतना ही फर्क है। वैसे जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए ये वाली चाय अच्छी रहती है, क्योंकि जो उबली हुई चाय पत्ती होती है उसकी वजह से भी एसिडिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो लोग ये वाली चाय पी सकते हैं। उनके लिए इससे थोड़ा ट्राई करके देखिएगा जिनको प्रॉब्लम है वो। शायद सुबह में मैं और आमिर जब झूले पे बैठे थे ना, तब तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, फिर अचानक से 7:45 बजे धूप आ गई, और फिर तब से धूप ही है। अभी पता नहीं चल रहा है आज क्या है, धूप है कि बारिश है। अभी धीरे धीरे वापस धूप जाने लगी भी है, देखो। आज नहाने का लेट है क्योंकि अर्पित आए हैं बहुत ही लेट रात को, और वो अभी सो रहे बेडरूम में। दूसरा बाथरूम है नहाने के लिए, बट कपड़े वगैरह भी बेडरूम में ही होते हैं हम लोगों के, मेरे और आमिन के भी। तो उसकी वजह से फिर बार बार अर्पित को डिस्टर्ब ना हो, उसकी वजह से मैंने सोचा कि वो उठेंगे दोपहर में जब नौकरी पे जाएंगे, उसके बाद ही मैं और आमिन भी नहा लेंगे। तो बस यही है रीज़न, आज लेट नहाना है, तो दूसरे सारे काम उसके पहले मैं निपटा देती हूँ। अभी मज़े की बात तो ये है कि हम लोग जा रहे हैं घूमने, और उसकी मैं कर रही हूँ अभी तैयारी, आपको दिखाती हूँ। तो ये है टॉयलेटरी बैग, जिसमें हम सारा सामान रखते हैं घूमने जाते हैं, वहाँ पर टूथब्रश हो, नहाने के साबुन वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ही रखते हैं। तो जाने के टाइम पे मुझे सिर्फ एक बार चेक करना होता है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो गई हो, उसे दोबारा रखना है। ये मेरी शावर कैप है, कॉम है,
और ये है हम दोनों के ब्रश और टूथपेस्ट। और ये है सारे साबुन नहाने के, बाल धोने के और आंगन का सब कुछ। एक छोटा सा डिओड्रेन है, सनस्क्रीन है क्योंकि हम बीच वगैरह जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। मॉइस्चराइजर रखती हूँ मैं थोड़ा सा। तो ऐसे नहाने से पहले और नहाने के बाद की जो सारी आइटम्स होती है वो हम ये टॉयलेटरी बैग में रखते हैं। और मैं जाने से पहले हमेशा एक बार इसको चेक कर लेती हूँ कि अगर कोई चीज़ कम हो गई हो या फिर ख़त्म होने आई हो तो उसे हमें रिफिल करना है या दूसरा रखना है। घर में एंटर होते ही कई बार मैंने आपको यह टेबल बताया है जहाँ पर मैं एक छोटा सा छाता और बैग रखती हूँ जो निकलने वक्त मैं हाथ में से ही ले सकूँ। और फिर यहाँ पर ऐसे जूते और स्लीपर्स दोनों हैं जो कहीं पर भी जाना हो तो हम पहन पाए आसानी से। ये मेरा है, ये अर्पित का है, लास्ट वाला जो है वो आमिन का है। ये हम दोनों का मिक्स है, मेरा और आमिन का। तो ये है सूरेक यहाँ पर। बट बाहर कहीं घूमने जाना होता है तो मैं यहाँ पर जूते रखती हूँ, ये वाले सारे मैं ऐसे प्लास्टिक के अंदर रैप करके ही रखती हूँ ताकि जल्दी ख़राब ना हो। और यहाँ पे सब कलर के जूते हैं ज़्यादातर तो मेरे पास। ये ज़्यादा हैवी वाले तो बॉक्स में ही रखती हूँ। और ये अर्पित के सारे जूते, उनके भी सारे बॉक्स में ही रखे हुए हैं, शायद वो ये अभी पहनेंगे मे बी, इसलिए ये बाहर है। तो इसी के ही साथ मैं बता देती हूँ आपको मेरा पर्स का भी कलेक्शन। यहाँ पर सारे पर्स जो है मैंने रखे हुए हैं, ये कहाँ पर घूमने जाना है उसके ऊपर डिपेंड है सारे पर्स। अगर कहीं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है तो मैं ऐसे लार्ज वाले पर्स जो होते हैं वो वाले यूज़ करती हूँ, और इधर कहीं जाना है तो ऐसे मीडियम वाले जो पर्स है। आमिन दरवाज़ा बंद कर रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आमिन को देखो, वहाँ से आया आके मेरा दरवाज़ा बंद करके चला गया, वो ऐसा ही करता है हर चीज़ में। तो मैं यूँ बोल रही थी कि अगर मुझे इंटरनेशनल कहीं जाना है तो ये जो लार्ज वाले पर्स है वो सारे मैं यूज़ करती हूँ, और अगर यहाँ कहीं जाना है तो ये मीडियम साइज़ वाले होते हैं वही मैं ले लेती हूँ। और अगर मैं जो लोकल जो हर हफ्ते में शॉपिंग वगैरह करती हूँ उसमें मैं ऐसे वाला ही पर्स यूज़ कर लेती हूँ। तो और ये है पार्टी वाले पर्स, उसको मैं रैप करके इस तरीके से रखती हूँ कि ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और मेरे पास कुछ इंडियन ट्रेडिशनल वाले भी है, झुमके वाले ना वो सब। तो ये है मेरा पर्स का कलेक्शन, अभी इसमें से ही मुझे कुछ लेके जाना है। ये देखो यहाँ पर रोना आ रहा है, टाटा कर दो, चलो पापा ने टाटा कर दो, पापा के साथ जाना है इसलिए रोना आ रहा है। गाड़ी में बज रहे थे गाने, घूमने जाना है इसलिए अर्पित ने गाने डाउनलोड करे। तो आमिन को वो पेन ड्राइव चाहिए गाड़ी में से, और वो जाना भी है उसको, तो रो रहा है वो। अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। ये देखो ये क्या है आमिन, हाँ उतर उतर नीचे उतर, जल्दी उतर बेटा, पड़ी जाए स्टोन तन वाक से आई जमा दिख रही है। नाले का काम हमारा हो गया है खत्म और हम आ गए किचन में। हम आ गए किचन में, अभी कुछ खाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है तो फिर मैं कर आई हूँ इतनी भिंडी को हार्वेस्ट। टॉयलेटरी बैग तो मैंने सुबह में ही बता दिया था, इसमें फर्स्ट एड का भी सामान आ जाता है। और ये है आमिर का नेपी का सारा सामान इसके अंदर, इसमें है हम तीनों के कपड़े। और अभी मैं इसमें करने जा रही हूँ स्लीपर पैक, ये मेरे वाले स्लीपर मैंने रख दिए हैं, ये अर्पित के और ये आमिन के वाली बैग में पैक कर रही हूँ हम तीनों के जैकेट, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब जरूरत पड़ जाएगी तो पूरी बैग ना खोलनी पड़े, इसलिए उसको अलग से एक छोटी बैग में मैं पैक कर रही हूँ। और ये है स्विमर्स का बैग, इसलिए ले जा रहे हैं हम ताकि वहाँ पर हॉट पूल है जहाँ हम ठहरने वाले हैं वहाँ पर, तो आमिन को अगर हॉट पूल में ले जाना हो तो हम ले जा पाए इसकी वजह से। और ये छोटा सा बैग है जिसमें हम सारे चार्जर लेके जाते हैं,
अभी घर से तो हर एक चीज हमें चार्ट करके जाना ही है, आमिन का टैबलेट हो या मेरा फोन घड़ी कुछ भी चीज हो तो। बट फिर भी हम लोग बाहर के लिए अलग से ही चार्जर रखते हैं सारे, और अलग ही एक पॉकेट हमने रखा है ये, तो ये हम जाते वक्त एक बार चेक कर लेते हैं, अगर उसमें कुछ कम हो तो हम वो ऐड कर सके, और फिर वहाँ जाके तो ज़रूरत इसी की पड़ने वाली है, तो इसके लिए इसको मैं टॉयलेटरी बैग में रखूँगी ये पूरा पॉकेट। एक बैग में मैंने नाश्ता रख दिया है, उसमें ज़्यादातर आमिन की ही चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, और आप सोचोगे ये सारे स्टिकर मैंने क्यों लगाए हैं, तो वो इसलिए है कि मुझे पता है कौन से बैग में मैंने क्या रखा है, अर्पित को पता नहीं है, तो शायद उनको कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। घूमने जाने की पैकिंग के बाद मैं करती हूँ क्लीनिंग घर का, पूरा घर हम क्लीन करके जाते हैं ताकि आए तब हमें अच्छा सा फ्रेश घर मिले, और उसी के ही साथ हम डस्टबिन भी इसीलिए खाली कर देते हैं, और फ्रिज में भी देख लेते हैं कोई सामान ख़राब होने वाला हो हमारे आने से पहले उसको हम निकाल देते हैं, और बागीचे में जाते हैं तो वहाँ पर जो हो गया होता है उसको हार्वेस्टिंग कर देते हैं, और वाटर भी दे देते हैं थोड़ा ज़्यादा ही तो हम आए तब तक उसको थोड़ा राहत रहे सारे पौधों को। और इसके साथ हम क्या करते हैं सबसे लास्ट में सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हम पैक कर लेते हैं, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें आप लोग भी करते ही होंगे ये सब तो, बट मैं क्या करती हूँ मेरा तरीका आज मैंने आपको बताया है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, और आपको भी हमारे साथ घूमना है हर जगह पर।